अरे गुंडा बैठा है राज कार्य में केड़ी बाधा है। तो बिजली का ट्रांसफर ऑनलाइन क्यों नहीं करो? चाहिए नहीं पया देवे पया दुकानदारी फूल वेग दूसरे दिन भेज दी। मैं धर्मन ट्रांसफोर किसान है नाम मत दुकान चलावे किसान के लिए की नहीं करे। मैं हूँ आयो भेज दी आया मजो आयो। स्टेट अवेलो ऑनलाइन क्यों नहीं करे? टोल टैक्स दे दुकान आंगी हो रही चले ठेकेदार कनु मजूरी करता रहे। भारत माता की किसान एकता, किसान एकता। धन्यवाद। मैं किसान व नाम मत लंबे टाइम किसान मोर्चा हूँ जुड़ियोड़ो हूँ। हरमान सिंह साहब मैं अंटणू में किसान मोर्चा में हो और बे दिनों लगान आज तक मेरी एक आदत रही। बाबू सिंह जी ने ठा है साहब सिमू सिंह जी ने इनके मैं बात को जी खुली को कोई के मेरे की कोई लाभ लपेटनी है न। मैं कोई राजनीति को घणो ये तो मैंने कहीं लेनो है। और जिट मैं मारे किसान मोर्चे का मीटिंग होती चाहे पक्ष में हाँ चाहे विपक्ष में हाँ। मैं एक ही बात उठाऊँ तो रोज थोड़ा घना कोई रिणा होता तो होता मैं कह स्वामीनाथन रिपोर्ट को के हुई हो बा लागू होनी चाहिए चाहे कूड़ी है ऊपर है चाहे नीची है कहीं लेनो देनो नहीं की कोई नहीं। मैं तो प्रताप फाउंडेशन में जुड़ियोड़ो हूँ होड़ एक पीढ़ी हुई है घड़ी को हुई नहीं पर वडेरा हो मन हो तो विष्णु ही बणन रहा। ये वास्ते मैं प्रताप फाउंडेशन में बड़ो खुश हुई तो मैं पूछियो विषय क्या है। मैं आके भाई विषय प्रताप फाउंडेशन आज आवे 36 ही कौम का किसान ये सब एक हुए और सब किसान के लिए आवाज़ उठावे। कोई किसी वक्त विषय सारू नहीं किसी जाति गोती आरू नहीं सिर्फ किसान विषय किसान। ये वास्ते मैंने बड़ी खुशी हुई कि भाई किसान के वास्ते अगर कोई करनी चाहे और वास्तव में किसान किसान का हाथ हमेशा छला हुई है हमेशा छला हुई है। किसान के नाम माते भाई ओम जी बैठा है हमीबा ने ठा है बड़ो परेशानी आवे जिन टाइम छोटी जाति आवे बी टाइम के किसान अरे यार किसान नहीं नहीं किसान ओम जी है मैं कृषि मंडी का चेयरमैन बनाया मैंने ठीक है नहीं बड़ी मजबूती में बनाया कि किसान ओम जी को ओम जी मोटो किसान कौन है मोटी खेती करे मोटा खेत है जमीना है जाति हामी है आ गड़बड़ है। ये वास्ते मेरा निवेदन है कि ये जाति गोती कोई राजनीति करे माने मैं नहीं चाहूँ। मैं तो एक ही बात आप लोगों से को किसान सम्मेलन बुलायो इनकी बहुत बहुत बड़ी प्रशंसा प्रताप फाउंडेशन की। एक मिनट का थाने में कहनी चाहूँ मंच मारला ने तो आदेश दे दियो कि आप बोलो ला नहीं हुणो ला और आपा ने अधिकार दियो थे बोलो ला तो आपा ने बोलनो पड़ी। आपा नहीं बोला दिए वो मामलो पार नहीं पड़ेला। इन वास्ते आपा ने 36 कौम का मिनका ने एक हूँ और प्रताप फाउंडेशन लारा आवाज़ उठानी पड़ी। आ बात तो करनी पड़ी। गाँव में जटे कटी जाओ गली में मोहल्ले में जटे कटी बैठा रहो आज चर्चा चलानी पड़ी कभी प्रताप फाउंडेशन नाला इतनी बढ़िया मीटिंग रखी और मांगो मुद्दो हो जो कोई तो साफ सुथरो हो कि किसान ने लेना आगे बढ़नो है किसान ने लेना आगे बढ़नो। किसान की जो समस्या है एक आपने समझ में आवे और टेंट लागो है और मंच बनियो है रेडिया लगा है मिनक आया है आपने वर्ष को रोक नहीं है। धन्यवाद दू प्रताप फाउंडेशन ने क्या व्यवस्था करी किसान हारू आने की नहीं पड़ियो है आने की कोई सर्टिफिकेट कौड़ी को दे नहीं कोई आपादान कोई उपरला दे खीन की कटी कटी आने तो नुकसान बड़ा कह रही के प्रताप फाउंडेशन बड़ा के हाथ आता रूगा ओ कहो किसान है नहीं किसान है 36 कौम का एक वो और आप प्रताप फाउंडेशन लारे छाती ठोक नू पारो हमके कम आया छो आया हमके बुलावे जिंदा अपन हल्ला हल्ला आनो है और बहुत ही मीटिंग रखनी है किसान के नाम मत है। रही बात है किसान की बाबू सिंह जी मैं लंबी बात नहीं कहूँ पर कई दो तीन छोटी छोटी बात है जगह राजकन्या इतना फूट रहा ठगे है किसान ने और आम आदमी ने। हरमान सिंह जी जो नेशनल हाईवे में तो ऑनलाइन है टोल टैक्स स्टेट अवेलो ऑनलाइन क्यों नहीं करे टोल टैक्स दे क्यों दुकान आंगी हो रही चले ठेकेदार कनु मजूरी करता रहे और पैसा लेता रहे बाकी केतरा जाने ऑनलाइन कर में आम आदमी लड़ाया करे दांतिया करे लारा द्वारा गुंडागिरी करे और पैसा लेवे और बापया को कोई हिसाब नहीं ऑनलाइन करता ही हिसाब बुझिया एक झटके में कि हेडमार कितना रुपया लगा का 1 करोड़ खर्च हुआ अरे तो 3 करोड़ क्यों उगा लिया भाई 1 करोड़ खर्च हुआ ना 2 करोड़ जनता की जेब काटे। दूसरी बात सारी चीज़ें ऑनलाइन करे बिजली को बिल ऑनलाइन कर दियो सा भर दो सा तो बिजली का ट्रांसफर ऑनलाइन क्यों नहीं करो? कहे भाई इतना ट्रांसफर बिलजोड़ा है, इतना मैं दे दिया हाँ, अरे इतना देना है, इतने नंबर बाद इतनी तारीख था ट्रांसफर आज भेज दी ले जियो। अब आप क्यों नहीं करें? ये बात नहीं उठाना बहुत जरूरी है। क्यों जीते किसान फिर भोग रहे कूद भोग रहे आओ तो रहे आवत रहे जाइए ना इन कने पैसा देवे पैसा दुकानदारी फूल वैग दूसरे दिन फेर दी मैं तार मन ट्रांसपोर्ट दे दियो फेर दी कह नहीं दियो भाई थे ट्रांसपोर्ट दे दियो तेरो काम होगो। मतलब ऑनलाइन कराने ठा पड़े देख ले लिस्ट देख ले भाई वो इतना नंबर मत मेरो है और बिल ही नहीं जावे पहले क्यों जावे ट्रांसपोर्ट लिया वे। मेरा निवेदन ये है सोलर बिजली सोलर प्लांट दिन दिन सोलर लोग लेवे को नहीं आ पानी हल्लो हो सोलर मामलो पार पड़े को नहीं हो किसान आगो बिन दिन है सोलर दे बिन दिन दौड़ दौड़ रेडिया लगा लगा नाका करे सरकार सब्सिडी देवा इतना प्रेंट देवा इतना प्रेंट देवा। अब मेरी दुकान में एक किराएदार बैठो है जो बहुत सोलर को काम करे बिन मैं पूछियो हमार कितनी देवे क्या हमार तो बिजली सोलर वाला मामलो सब्सिडी है ही कौन हमार स्कीम कौन स्कीम आई ना बताए दे उधानी मतलब हमार बंद क्यों है कि हमार तो हमार ट्यूबवेला हुई है हमें खेती बाउंड टाइम है हमार मना हो जो सोलर लगा पर पंप स्टार्ट कर दे पर हमार तो सब्सिडी बंद है ये बात आम गरीब वो काम कर नहीं सके। मेरा मतलब वो है कि किसान का हमेशा चलावो जो है और किसान की जगह दुकान चलावे जगह किसान है नाम आता दुकान चलावे वह किसान के लिए की नहीं करे कई जगह देख ले हो मेरे माता थे व्यक्तिगत भले अक्षय भूटान देख ले हो आने ध्यान रख लो क्या वो मुद्दों किसान को बट बोले ही नहीं शब्द नहीं काटे क्यों बट वोट नहीं मिले बट माने वोट नहीं मिले माने राजनीति नहीं वे पांगी ये बात है किसान माने की लड़ लड़ो नहीं है किसान असली किसान की बात उठाई है प्रताप फाउंडेशन उठाई है भगवान सिंह जी साहब महावीर सिंह जी साहब शिमू सिंह जी साहब या जगह भी है भेड़ जी बेटा श्योर मैंने बड़ो अच्छू हो मजो आयो मैं कह हूँ आयो भेड़ जी आया किसान ने मेले में आया आएगी हिम्मत सही जाए छाती वे जो किसान के बीच में आवे और किसान की बात करे चाहे राज की कोई है राजू की लड़ो लड़ो नहीं है कूड़ी आई कूड़ी जाई राज आता रही जाता रही आप आया आप ही जीता रहा पीढ़ियाँ गए पी हजारों साल होगी संस्कृति ने ठीक है नहीं पर प्रताप फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँ कि आप वास्तव में बात चीज़ बताई क्या मैं नेतृत्व करने की हमारे में क्षमता है मैं पीढ़ियाँ राज करियो चाहे मैं आज भी समाज में हाथ लेन चलनी चाहवा हाथ लेन काम करनी चाहवा इन वास्ते आम आदमी ने आप मौको दियो नेता ने कहो थोड़ा बहन हुणो हुणो ये बातन बदक करियो आज मैं करा जबकि बातन थे आगे करियो आ मैं इन वास्ते मैं आप निवेदन करूँ कि जो भी आप जो मंच बुलायो आप जिन मंच माते माने मौको दियो मैं प्रताप फाउंडेशन को बार बार किन शब्दों में आभार करूँ और आप आगे छाती ठोकन भाई जो हो हिम्मत राख जो काम तो बड़ो अब को है समाज मोटो है अरे किसान घना है किसान अगर कोई कमी को नहीं जे कमी बेसी वे अब कोई लोग की कहीं कोई की कहता रही में कहीं को नहीं लोग बात उठाता रही कि प्रताप फाउंडेशन वाला ये खातिर करियो और फलानिया ये खातिर करियो और बलदेव ये खातिर बोले हो के अड़ी बात है ये बात तक कि नहीं खुश करने बोलो वो की नहीं है बात सीधी सट है। प्रताप फाउंडेशन साहब है किसान मजबूत हुए किसान की मांग उठे चाहे कोई राज करे चाहे केंद्र में करे चाहे राज्य में करे किसान के हाथ रहे किसान कहे क्यों करे 90% किसान है किसान के हाथ धोखो क्यों करे किसान के हाथ छलावो क्यों करे। और मैं आप एक ही निवेदन करूँगा दो तीन छोटी छोटी मांगा अन आप एक थोड़ा भेड़ो जोड़ दियो पॉइंट में एक तो टोल टैक्स मैं नाम लूँ तो ठीक नहीं रहे माफ़ करियो माराणी माराणी पर अटे ए भाई मारा है जगह पाचो लगा दियो यार जन नायक धन्यवाद है जन नायक ने आम गरीब की बात करी और जो टोल टैक्स लोकल आदमी के वास्ते माफ कर दिया कि भाई लोकल गाड़ियों के वास्ते टोल टैक्स माफ है आज तो गुंडा कर दी कोई पार ही कौन बेटी का पापा टोल टैक्स माते कोई छोटी मोटी वे मुकदमो वे के राज कार्य में बाधा अरे गुंडा बैठा है राज कार्य में कैडी बाधा है गुंडा करे राज है हाथ से मोटे मोटो गुंडो जखे बैठा हुआ भी टोल टैक्स माते तो आधा तो बाबड़ा डरता आगे भी लगा कुत्तों कुड़ा जावे पहले ही आप दियो टैक्स मैं तो को बोल लगा है तो ही बहंगड़ाई क्या वह भी क्या सब वो कांच मत लगाई थी आप तो ऑनलाइन कर दो इन्हें इतनी मेहरबानी कर दो थे माफ करियोड़ा है और धन्यवाद आपने पर आप किसान के नाम पर आप इन चीज़ ने रुकन मती दी जो लंबे टाइम इन्हें चलाई जो को किसान ने किन किंग और रिजल्ट मिलना चाहिए आई निवेदन करनी चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत जय हिंद। किसान एकता, किसान एकता। धन्यवाद।